आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज के हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे में सीबीएसई बोर्ड क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन जस्ट कुछ देर पहले एंड हो चुका है। और आज जो एग्जामिनेशन था आप सभी कैंडिडेट का वो था आप सभी का हिस्ट्री का। तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं हिस्ट्री के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। फिर इससे पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले चैनल अभी अपडेट पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड और देखते हैं आप सभी के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसे कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पे मैं सेट नंबर टू डिस्कस कर रहा हूँ हमारे फ्रेंड। इससे पहले मैंने सेट नंबर वन डिस्कस कर लिया। जिन भी कैंडिडेट का सेट नंबर वन था वो सभी कैंडिडेट उस वीडियो से जाकर आप चेक कर सकते हैं अपने पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। और साथ साथ आप सभी का जो सेट नंबर थ्री होगा उसका भी सॉल्यूशन बहुत ही जल्द हमारी टीम आपको प्रोवाइड करा देगी। जैसा कि आप देख रहे हो फ्रेंड सेट नंबर टू हम लोग डिस्कस करेंगे। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अगर आपका सेट नंबर थ्री है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर का आंसर नहीं मिल रहा है या फिर कोड आपका मैच नहीं कर रहा है ये, तो फिर इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दिएगा, जैसे आपके पेपर का हम सॉल्यूशन डिस्कस कर लें। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं आपके हिस्ट्री पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। और साथ साथ मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूँ, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है सीयूटी की बेस्ट प्रिपरेशन हमारी टीम करा रही है 2023 के रिगार्डिंग। सीयूटी की बेस्ट प्रिपरेशन हमारी टीम के द्वारा कराई जा रही है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कैंडिडेट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सीयूटी के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक बार कॉन्टैक्ट कर लिएगा, यस आई एम इंटरेस्टेड इन सीयूटी प्रिपरेशन, आपके लिए हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको बेस्ट प्रिपरेशन कराई जा सकेगी। ओके माय फ्रेंड, चलिए मूव ऑन करते हैं हिस्ट्री के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं, देख सकते हैं जैसे कि आप सभी के एग्जामिनेशन में 34 क्वेश्चंस थे और सभी जो क्वेश्चंस थे आप सभी के 5 सेक्शंस में डिवीजन थे आपके क्वेश्चंस। फर्स्ट सेक्शन जो था आप सभी का 21 क्वेश्चंस का वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे एंड देन फर्दर इंस्ट्रक्शंस आप सभी को गिवन थे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस थे, आप सभी जानते ही हो। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है आपका, करेक्टली मैच आपके हुआ है फिर आपका चोलास इन तमिलनाडु। आप देख सकते हो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं और ऑप्शंस के रिगार्डिंग आपको बताने हैं। फिर इसका जो राइट आंसर होगा अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चोलास आपका जो मार्क होगा किससे होगा, आप सभी को मैंने ऑप्शंस दिखा दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्टली मैच में अगर बात करें तो। मूव ऑन करते हैं हमारे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना था ये टेम्पल किसका टेम्पल है आपका, ऑप्शंस आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है आपको। फिर इसका जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा फिर आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हमारे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी होगा आपका वीरपक्षा टेम्पल। ओके हमारे फ्रेंड दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है यहाँ पे आइडेंटिफाई द ब्रिटिश ऑफिशियल्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, आपको करेक्ट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देना था आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था। फिर ऑप्शंस आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं, देख सकते हैं फिर इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे, इसका राइट आंसर आपको फ्रांसिस बुचनैनन आपका दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बारे में। ही वॉज एन ऑफिशियंस केम टू इंडिया ड्यूरिंग 1794 to 1815 एंड ही सर्व्ड इन द बंगाल मेडिकल सर्विसेज, ही सर्व्ड एज द सर्जन टू द लॉर्ड वेलेंसे, ही ऑर्गेनाइज द कैलकटा एलिपोर जू, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसिस बुचनैनन। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ फोर्थ मूव ऑन कर दे मैंने आपका है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द कृष्णदेव राय इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कृष्णदेव राय के अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ पे लिखा गया, ही फाउंडेड द सुंदरबन टाउनशिप इज कॉल्ड एज कृष्णपुरम, दैट्स मीन्स ये जो स्टेटमेंट है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बाय द रिगार्डिंग टू द कृष्णदेव राय के रिगार्डिंग। ओके मैडम दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है आपका ये रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वॉज अ कंसीडर्ड एज अ जेनिस ई कामिल इन द मुगल एम्पायर, तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा हमारे फ्रेंड होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दैट मीन्स कॉटन एंड सुगर केन इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स आप सभी के सामने यहाँ पे कंसीडर करना स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्ली ट्रेडिशन इन द भक्ति एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस आपको देने हैं यहाँ पे, इसके रिगार्डिंग जो राइट आंसर होगा फिर आपको ट्रेडिशन रिगार्डिंग आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा।
सेकेंड वंस एंड थर्ड वन, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा हमारे फ्रेंड। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेवन था आपका यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड अफनीस निकेतन बिलोंग टू, अफनीस निकेतन बिलोंग्स टू विच कंट्रीज। तो फिर इसका जो राइट आंसर फिर आपका वो होगा आपका पुर्तगाल। किससे बिलोंग करता है वो? पुर्तगाल से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है हमारे फ्रेंड। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका एट थे यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा फिर यहाँ पे? तो फिर इसका जो राइट आंसर फिर आपका होगा आपका बुद्ध अटेंड द महापरिनिर्वाण एट अ कुशीनगर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की बात करें फ्रेंड आप सभी का, यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको यहाँ पे पुट करना है, आपको ये जो डिफरेंट फ्रेंड डायनेस्टीज दी गई हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी? तो वो जो डायनेस्टी थी आपकी जो सबसे पहली बार जो आई थी वो थी हमारी आपकी पहले मौर्यास। कौन सी आई थी? पहले मौर्यास आई थी, देन आपकी नंदास हो जाएगा आपका दूसरे नंबर पे, देन आपका गुप्तास थर्ड नंबर पे, एंड शगुन्स आपके फोर्थ नंबर पे। फिर इसके अकॉर्डिंग बात किया तो फिर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स थर्ड वन फोर एंड टू। ओके हमारे फ्रेंड ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते फ्रेंड आप सभी का क्वेश्चन नंबर टेंथ आपका यहाँ पे, आर्कियोलॉजिस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन उसके दिए गए। तो हमारे फ्रेंड इसका राइट आंसर जो होगा आप सभी का वो सीधे सीधे हो जाएगा, आप सभी देख सकते हो यहाँ पे एस एन रॉय का ये, इसका ये, इसका ये, और ये जो ऑप्शन था इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस बहुत सिंपल आर्कियोलॉजी दे दी गए थे, देख सकते हैं आप फ्रेंड आर्कियोलॉजिस्ट के नेम और कॉन्ट्रीब्यूशन के दिए गए थे जस्ट सामने सामने। ओके हमारे फ्रेंड चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर एलेवंथ की तरफ आपका यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ इन द अस्तदेवयाई वर्क ऑन द संस्कृत ग्रामर। तो फिर इसका जो राइट आंसर फिर आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पनानी, दैट्स मीन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपका एजर्शन है आपका यहाँ पे। द बुक सिपाही अब्दी वॉज ए इम्पॉर्टेंट बुक फॉर द मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल, बिल्कुल सही बात है। एंड रीसेंट की बात करें बुक ऑफ इंक्लूड्स द शॉर्ट्स बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ द इम्पेरियल ऑफिशियल्स लाइक एंड मनशा बदर पोएट्स, तो बिल्कुल ये भी रीजन आपका करेक्ट है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेन करा है जेशन को, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन था आपका यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज कॉल्ड एज एन अ नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी इन द ब्रिटिश ड्यूरिंग इन 1850s। तो फिर इसका जो राइट आंसर फिर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अवध, क्या हो जाएगा राइट आंसर मेरे फ्रेंड? अवध इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं मेरे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, 14th है आपका यहाँ पे। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका मोतीलाल नेहरू, क्या हो जाएगा फिर इसका करेक्ट स्टेटमेंट की राइटिंग क्या हो जाएगा फिर इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं मेरे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका यहाँ पे, 15th आपका यहाँ देख सकते हो यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रिबिल्ट द सुदर्शन लेक, सुदर्शन रेल को कौन रूलर था रिबिल्ट कराया था? तो वो कराया था आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन रुद्रामान इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 था आप सभी का यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन दैट द सत्वहांस रूल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड सेंचुरी बी सी इन द सेकेंड सेंचुरी, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन वेस्टर्न एंड डेकन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की फ्रेंड आपका यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वर्कड ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ द सांची स्तूपा, तो वो प्रिजर्वेशन हुआ था आपका शाहजहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम, दैट्स मीन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे लीडर्स दिया गया है और उसके रिगार्डिंग आप सभी को यहाँ पे रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पे दिए गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको मार्क करना था। मैं सीधे करेक्ट इसका आंसर बता दूं हमारे फ्रेंड, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन की बात करें फिर आपका यहाँ पे, एजर्शन आपका यहाँ पे गांधी जी कॉल एज अ कंट्री वाइड एजिनेशंस एंगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, बिल्कुल सही बात है आपका।
एंड रीज़न जो आपका दिया है, ब्रिटिश ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल टू द विदाउट ट्रायल। बिल्कुल बिल्कुल, जो रॉलिक एक्ट में क्या हुआ था, विदाउट किनी कंसल्ट, किसी को कुछ पूछे बिना किसी को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता बाई द ब्रिटिशर्स। तो फिर ये ऑथराइज हो गया था कि ब्रिटिश जो रॉलिक एक्ट पास किया गया था। तो बिल्कुल आपका रीज़न भी करेक्ट है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें आपका यहाँ पे, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारत विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको बताना है। वॉज द हस्बैंड ऑफ गांधारी एंड बिकेम द किंग ऑफ द हस्तिनापुर, कौन बना था, धृष्टराष्ट्र। क्या हो जाएगा फिर इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा आपका, धृतराष्ट्र। ओके माय फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं 21st क्वेश्चन की तरफ आपका यहाँ पे, फाइंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट रॉलिक एक्ट। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में आपका ये पहले पे हो जाएगा, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे एंड ये फोर्थ पे। ओके माय फ्रेंड, दैट्स मीन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके आई होप सो, सभी कैंडिडेट को मैंने बता दिया। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे फ्रेंड, मैं यहाँ पे सेट नंबर 2 डिस्कस कर रहा था, इससे पहले मैंने आप सभी के लिए सेट नंबर 1 की वीडियो बना दिया है। जिन भी कैंडिडेट ने नहीं देखा है जाकर चेकआउट कर सकते हो, हमारे फ्रेंड देख सकते हो मैं सेट नंबर 2 यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, और कोड भी देख लिया हमारे फ्रेंड, कोड जो मैं डिस्कस कर रहा था आपको कोड आपके सामने यहाँ पे। और साथ साथ जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं सीयूटी की प्रिपरेशन करने के लिए, हमारी टीम बेस्ट प्रिपरेशन करा रही है 2020-23 के रिगार्डिंग। आप सबके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए भी बेस्ट प्रिपरेशन हमारी टीम करा रही है। जिन भी कैंडिडेट अभी तक हमारे चैनल को साथ जुड़े नहीं हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप सबकी सीयूटी के रिगार्डिंग बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रिपरेशन कर रही है, जिसका नेम टेलीग्राम चैनल का है। फ्रेंड आप सभी का बता दूँ, अभी अपडेट फॉर CUET, इसको जल्दी से ज्वाइन करिए, अभी अपडेट फॉर CUET, जहाँ पे हम लोग टेलीग्राम चैनल में बहुत सारी चीज़ें CUET के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको हम शेयर कर रहे हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लिए CUET के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, और साथ साथ जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं CUET के लिए, आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।